मध्य प्रदेश के चाचौड़ा जिले में शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय के भवन को ट्रेन का लुक देकर पुताई कराई गई है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में रूढ़िवादी पद्धति से उन्मुख होते हुए जो नवाचार रूपी क्रांति फैली है, उससे शिक्षा विभाग में काफी बदलाव आए हैं। शासकीय विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति का कम होना और पालकों का निजी विद्यालयों की ओर आकर्षित होना भी चिंता का विषय है। प्रधानाध्यापक शिखर चंद जैन ने बताया कि इस विद्यालय में कक्षा 4 और 5 का अध्ययन उन्होंने ही इसी विद्यालय में किया था। साथ ही मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपनी कर्म भूमि में नवीनीकरण करने का अवसर मिला। बच्चों का इन गतिविधियों के माध्यम से समझाना और पढ़ाना है। कक्षा 6, 7 और 8 के कमरों में किताबों के आधार पर पेंटिंग की गई है, जिसमें छात्रों को अध्यापकों द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। कक्षा ही आपको बता दें कि यह ट्रेन का लुक क्षेत्रवासियों को भी आकर्षित कर रहा है। लोग वहां घूमने जाते हैं और सेल्फी भी लेते हैं। चाचौड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट। सर, ये विद्यालय में जो आपने डिजाइन किया है ट्रेन का, जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि आजकल छात्र और पालकों का रुझान जो है प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा है, तो शासन ने जो राशि दी है उससे मेरा उद्देश्य ये रहा है कि बच्चों को सरकारी स्कूल की तरफ आकर्षित किया जाए। मेन उद्देश्य तो मेरा यही है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि कुछ अनोखा किया जाए? प्रेरणा तो मेरी बचपन से ही रही है ये कि कुछ अलग हटने की कार्य करने की मेरी शैली ही है। आप लोगों ने देखा भी होगा स्टेशन पर जो कार्य करते हैं हम, वो सबसे अलग हटकर ही है। आपकी शिक्षा भी शायद इसी विद्यालय में हुई है? हाँ, चौथी पाँचवीं में इसी भवन में मैंने चौथी पाँचवीं में शिक्षा ग्रहण की है। और कुछ वो भी मेरा ये रहा है कि जब मैंने इसी विद्यालय भवन में शिक्षा ग्रहण की और मैं इसी विद्यालय में पदस्थ हूँ, तो फिर मुझे इस विद्यालय में कुछ करने का एक सुअवसर मिला है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुछ सबको अच्छा लगे, और मुझे भी करने के बाद बड़ी खुशी मिली है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।